हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही यूनिक और प्यारा सा डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि आपको पसंद आएगा। तो उसके लिए मैंने ये कॉटन सिल्क की साड़ी ली है। इसमें गोल्डन कलर के बॉर्डर्स हैं और गोल्डन कलर का ही पल्लू है। इसके लिए मैंने 3 मीटर कॉटन की लाइनिंग ली है। इसको मैंने वॉश करके अच्छे से आयरन कर लिया है। सेंटर से साड़ी बिल्कुल प्लेन है, गाजरी सा कलर है, बहुत ही प्यारा डार्क कलर है ये। गोल्डन कलर का इसमें ये देखिए ऐसा पल्लू बना हुआ है। तो पल्लू का तो मैं यूज़ नहीं करूँगी इस ड्रेस में, इसमें जो बॉर्डर्स है ना पल्लू में उनका यूज़ हो जाएगा। तो अभी साड़ी को तो साइड में रख देते हैं, अभी लाइनिंग की कटिंग करेंगे हम पहले। तो जैसे लाइनिंग आती है ना तय में सेम वैसे ही रखी है मैंने। 16 इंचज़ मैंने यहाँ पर लेंथ ले ली है इसकी, और इसकी अब मैं कटिंग कर लूँगी। यहाँ पर इस साइड कपड़ा जो है ऊपर नीचे है इसकी मैंने कटिंग कर ली। अब ये 16 इंचेस लेंथ का ये फैब्रिक हमारे पास आ गया है। ये कपड़ा डबल है और फ्रंट साइड के लिए ही ये पूरा होगा। तो इसकी मैं विड्थ रख रही हूँ 11 इंचेस। तो ये 11 इंचेस कहाँ से आए, वस्ट हमारी 40 है, 40 का फोर्थ पार्ट निकाला हो गया 10। तो 10 में 1 इंच हम ऐड कर लेंगे मार्जिन, तो ये 11 इंच विड्थ आ गई इसकी। तो यहाँ पे हम 11 इंचेस ले लेंगे। आपने अपनी वस्ट के अकॉर्डिंग ये नंबरिंग निकालनी है। उसके बाद इससे आगे जो फैब्रिक बचा है ना ये मैं ले रही हूँ 9 इंचेस। अब ये 9 इंचेस कैसे आया, जितना भी हमारा पीछे फैब्रिक आया है ना, जैसे हमारा 11 आया तो उसमें से 2 इंच लेस करके हमने आगे का कपड़ा लेना है। तो जैसे अंगरखा स्टाइल कुर्ती कट करते हैं ना, हम सेम वैसे ही इसकी कटिंग होने वाली है। अब जहाँ पे हमने 11 इंचेस का मार्क लगाया है ना, इससे आगे 9 इंच ले लेंगे। तो ये 9 इंच से हाफ इंच ज़्यादा है, तो इसको भी मैं साथ में ही कवर कर लूँगी। बैक वाले पार्ट के लिए लाइनिंग की हम इस तरह से कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये मैंने फोल्ड कर लिया इसको। 11 इंचेस इसकी हमने विड्थ लेनी है और लेंथ जो है वो 16 इंचेस जितनी हमने फ्रंट वाले पार्ट के लिए है उतनी ही ली। जो नीचे वाला पार्ट है ना ये फ्रंट के लिए है, तो इसको हम कैसे भी रख सकते हैं, लेकिन जो ऊपर हमने रखा है बैग वाला पार्ट, तो उसके जो ओपन साइड है ना वो हमने अपनी तरफ को रखनी है। अब यहाँ पे लेंगे शोल्डर्स। तो नॉर्मली मैं 7 इंचेस रखती हूँ, लेकिन इसकी नेक डीप नहीं है इसलिए मैं 8 इंच ले रही हूँ। तो 8 इंचेस का शोल्डर हो गया। नेक की विड्थ ले ली मैंने यहाँ पे 3 इंचेस। आगे का जो 9 इंचेस फैब्रिक है ना, इसको अभी कुछ नहीं करना है हमने। अभी सिंपल कुर्ती की ड्राफ्टिंग की तरह इसकी ड्राफ्टिंग होगी। बैक नेक की लेंथ मैं रख रही हूँ यहाँ पे 1.5 इंचेस। अब शोल्डर्स डाउन किए यहाँ से और इसको इस तरह से मिला दिया। आर्म होल ले लिए 7 इंचेस पे। इसका हाफ कर लेंगे। यहां से आर्म होल की शेप दे देंगे, ये बैक आर्म होल की शेप दे दी। अब यहाँ पे ये देखिए कमर की थोड़ी सी शेप देके यहाँ नीचे 1 इंच पे मार्किंग करके ये राउंड शेप दे दी थोड़ी सी। यहाँ पे ये कमर की राउंड शेप हो गई। फ्रंट नेक की लेंथ रखी 4 इंचेस, वेथ 3 इंच जितनी हमने पहले रखी थी। इस तरह से राउंड शेप देके इस पॉइंट से कॉर्नर को मिला देंगे। ये बैक वाला नेक कट कर लिया। अब बैक वाले पार्ट को उठा देना है और ये जो फ्रंट वाला नेक है इसकी भी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अप्रोक्स 1/2 इंच यहाँ पे फ्रंट आर्म होल शेप दे दी। और जो हमने कट लगाया था सेंटर में उसके ऊपर इसको हमने फोल्ड कर लिया। ये जो अब नेक के पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी कट कर लेंगे। लाइनिंग वाले ये दोनों पार्ट जो हैं फ्रंट के हमारे एक साथ रखे हैं हमने। फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से ये देखिए 2 इंच ज़्यादा रहेगा। अपर पार्ट के लिए अब मैं मेन फैब्रिक की कटिंग कर लूँगी। तो उसके लिए 16 इंचेस लेंथ का ये फैब्रिक मैंने कट कर लिया साड़ी से। अब इसको ये देखिए ऐसे रख के देख लेंगे हम। बॉर्डर्स जो है ना वो नेक की तरफ को आएंगे, शोल्डर्स की तरफ को नहीं रखने हैं। ये दोनों बॉर्डर्स जो है नेक की तरफ को हमने रखने हैं, ये पहले रख के देख लेंगे, अदरवाइज कई बार कटिंग गलत हो जाती है। ये बॉर्डर जो है वो यहाँ तक चाहिए था मुझे, बट ये इसकी विड्थ कम है ना, तो यहाँ पे मुझे ज्वाइंट लगाना पड़ेगा।
ये जो बॉर्डर है ना, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तभी कॉलर के ऊपर बॉर्डर अच्छे से आएगा। बस ऐसे इसको अच्छे से मैंने फिक्स कर लिया है और इसकी अब मैं कटिंग कर लूँगी। दोनों पीसेस इसी तरह से हमने कट कर लेने हैं। बैक वाले पार्ट में कोई बॉर्डर नहीं लेना, इसलिए मैंने इस तरह से इसको फोल्ड करके साड़ी को और ये फैब्रिक इसके ऊपर रख के कटिंग कर ली। इसकी बॉर्डर मैंने साइड हटा दिया। इसका अपर पार्ट की कटिंग करने के बाद अब बॉटम पार्ट के लिए मैं लाइनिंग की कटिंग कर रही हूँ। उसके लिए मैंने किनारी के साथ किनारी को मिला के कपड़े को फोल्ड कर लिया है। लेंथ इसकी है 39 इंचेस। अब रखनी है हमने कमर, तो बैक पार्ट का ये मैंने पोर्शन लिया है, तो इसकी जो कमर है 11.5 इंचेज है। अभी इसमें हमने प्लीट्स डालने हैं, तो 2 इंच की प्लीट्स डल जाएंगी तो कम होके ही हो गया 9.5 इंचेस। तो मैं यहाँ पे 9.5 इंचेस जो है मार्क कर लूंगी और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे हम मार्जिन। एक तरफ मार्किंग करने के बाद अब देखिए इसके ऑपोजिट साइड में मार्किंग करेंगे। और यहाँ पे भी 9.5 इंच मार्क किया और 2 इंच ले लेंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा। ये 2 इंच एक्स्ट्रा आपने जरूर लेना है, नहीं तो ये कम पड़ जाता है। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में इस तरह से मिला देंगे और ये मैंने कर ली कटिंग। तो ये 4 कलियां हमारे पास आ गई हैं, 2 फ्रंट के लिए और 2 बैक के लिए। जो स्ट्रेट साइड जो इनकी आई है ना, वहां से हम इन्हें स्टिच करेंगे। अब ये यहाँ से जुड़ी हुई है तो इनको भी कट कर लेंगे। इन कलियों को एक बराबर रख के अच्छे से, ये जो स्ट्रेट साइड वाली कॉर्नर है ना, वहां से हमने इस तरह से ऊपर की तरफ हमने टेप को एक ही जगह रखना है और नीचे की तरफ को 39 इंचेस पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब जो साड़ी बची है उसमें से 15 इंचेस लेंथ का फैब्रिक मैंने निकाल लिया है अपनी स्लीव्स के लिए। उसके बाद अब दूसरी साइड ये पल्लू है, तो ये भी मैंने कट करके सेपरेट कर दिया है। इतना सब करने के बाद अब टोटल जो फैब्रिक है वो 3.5 मीटर बच गया है। इसमें से हमने बॉटम के लिए कलियाँ निकालनी है। बॉटम पार्ट हमने विड्थ में बनाना है। ये देखिए चौड़ाई जो है ना, उसको हम लंबाई बनाएंगे अपनी ड्रेस की। तो यहाँ से 15 इंचेस, तो ये योक पार्ट आ गया और उससे नीचे हमें 43 इंचेस चाहिए। तो 43 इंचेस ये नहीं हो रहा है, तो इसको क्या करना है, हमने ये जो ऊपर की साइड का बॉर्डर है ना, इसको कट करके नीचे की तरफ अटैच कर देंगे। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, ये देखिए फैब्रिक को ना फोल्ड करना है। एक बार फोल्ड किया, दोबारा फिर से फोल्ड किया, उसके बाद एक बार फिर से फोल्ड करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। जितने आपके कपड़े की लेयर्स हैं, मतलब तहें हैं आपके कपड़े की, उतनी ही कलियां आपकी कट होंगी। यहाँ पे ये देखिए मैंने 4 फोल्ड किए, तो 4 फोल्ड में हमारी 8 लेयर्स बन जाती हैं। 1, 2, 3, 4, और 4 ही नीचे हैं, तो इसमें से टोटल 8 कलीज निकलेंगी। ये 8 लेयर्स में कपड़ा है। अभी मैं एक फोल्ड और लगाऊंगी तो ये टोटल हो गया 16 लेयर्स में। इस तरफ से हमने कलियों को कट करना है, तो हमें चाहिए अब कमर की मेजरमेंट। कमर है हमारी 38 इंचेस, तो ये हमारी तैयार कमर नहीं है, हमारे जो फैब्रिक है उसकी मेजरमेंट है। 38 हो गई, तो हमने कलियाँ कितनी कट करनी है वो देखना है। तो हमें कलियाँ यहाँ पे 16 कट कर रही हूँ। अगर आप 8 कट कर रहे हैं तो आपने 8 लेना है। यहाँ पे 38 को डिवाइड कर देंगे 16 से, तो आंसर आ गया 2.375। अब इसमें +1 ऐड करना है हमने मार्जिन के लिए, क्योंकि दोनों तरफ से हमने कलियों को जोड़ना भी है। +1 ऐड कर दिया तो ये बनता है 3.375। तो टोटल जो कलियों की वेथ है वो होगी 3.375, मतलब 3.25 इंच के आसपास। बट अब हमने इसका हाफ निकाल देना है, मतलब 2 से इसको डिवाइड करके हमने इसका हाफ निकाल दिया, तो ये आया 1.6875। अब यही नंबर हमने अपने माइंड में रखना है, तो 1.5 इंच से थोड़ा सा ज्यादा है ये। सबसे पहले जितना भी ये फैब्रिक है ना, इसका हाफ कर लेंगे, तो 8 इंच इसका टोटल है, इसका हाफ हो गया 4 इंच। अब जो हमारे पास नंबर आया था, इस सेंटर से उतना हमने एक साइड को ले लेना है, उतना ही दूसरी साइड को ले लेना है। तो 1.6875 था ना, तो मैंने 1.5 इंच से थोड़ा सा ज्यादा एक तरफ को, 1.5 इंच से थोड़ा सा ज्यादा दूसरी तरफ को ले लिया, तो टोटल ये 3.25, मतलब जितना हमारा नंबर था ना सेम आ गया। तो जितनी हमारी कली की टोटल विड्थ निकली थी उतनी ये बन गई है। बॉटम में कलियों की विड्थ निकालने की जरूरत नहीं है, बस हमने बॉर्डर के ऊपर ये मार्किंग की और इन पॉइंट्स को इस तरह से मिला देंगे। अगर आपकी बॉर्डर की विड्थ ज्यादा है तो भी आपने बॉर्डर के ऊपर ही ये मार्किंग करनी है।
मार्किंग के थोड़ा से ऊपर तक हमने ये कटिंग करनी है। इस तरह से ये कलियां हमारी आएंगी। ये देखिए नीचे की तरफ से जुड़ी हुई हैं कलियां और ऊपर से कटिंग हो गई है। ये 16 कलीज थी, इनका मैंने हाफ कर दिया। 8 कलीज फ्रंट के लिए हो गई, 8 बैक के लिए हो गई। अब ये देखिए ये कलियां जोड़नी कैसे, हमने अपर साइड से इनको इस तरह से बराबर करके ऊपर से सिलाई लगाएंगे, नीचे तक इनको स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पे स्लीव्स कट करने के लिए जो मैंने फैब्रिक 15 इंचेस का कट किया था ना, उसको मैंने फोल्ड करके रख लिया। यहाँ पे 4 लेयर्स में है इस वक्त ये फैब्रिक, तो ये देखिए इसकी जो लेंथ है ना वो 15 इंचेस है। इस तरफ हाफ इंच का मार्जिन रख लेंगे सिलाई के लिए और स्लीव्स की लेंथ मैं 11 इंचेस रख रही हूँ। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे, ये स्लीव्स की लेंथ हो गई। अब अंदर की तरफ को 3 इंच पे मार्किंग करेंगे आर्म होल की शेप देने के लिए। बस्ट का 4th पार्ट निकाल के उसमें से हाफ इंच लेस करके हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। स्लीव्स डाउन ले लेंगे 5 इंचेस और ये देखिए इस तरह से इन पॉइंट्स को हमने मिलाना, यहाँ तक मिलाया। इससे आगे हल्की सी शेप देते हुए इन पॉइंट्स को मिलाना होता है ऐसे। ये पफ स्लीव्स बना रही हूँ मैं, इनकी कटिंग और स्टिचिंग जो है बहुत ही इजी मेथड से कर रही हूँ। स्टार्टिंग में इनकी सिंपल स्लीव्स की तरह ही कटिंग होगी। इतना करने के बाद इसका हाफ निकाल लिया। इस मार्किंग के बराबर में हमने इस लाइन के ऊपर पॉइंट लगाना है ये। अब यहाँ से ये देखिए इस तरह से मिला देंगे इसको और ऊपर तक शेप दे देंगे। इससे आगे 3.5 इंच का मार्क कर लिया मैंने, मतलब मेरे पास फैब्रिक ही उतना है, लेकिन आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आपने 3.5 इंच मार्क कर लेना है और इस लाइन को आगे तक इस तरह से बढ़ा देना है। ये मैंने लाइन लगा दी आपको कि इस तरह से आएगी आपकी लाइन। अब यहाँ से ये देखिए इस तरह से ना, इस पॉइंट से इस कॉर्नर तक हमने शेप दे देनी है इस तरह से। अब 8 इंच तक तो हमारा आर्म होल आ जाएगा, उसके आगे जो फैब्रिक बचता है इससे पफ बन जाएंगी। तो बहुत ही प्यारी स्लीव्स बनती हैं ये और बहुत ही सिंपल मेथड है ये, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे साइड में, अगर तो आपको नीचे की तरफ भी प्लीट्स डालनी है या मतलब चुनर वगैरह डालनी है तो यहाँ से कटिंग नहीं करनी है, अदरवाइज यहाँ पर मार्जिन छोड़ के हम कटिंग कर लेंगे। ये जैसे यहाँ पर आपको प्लीट्स डालनी है ना, तो फिर आप ये वाला फैब्रिक कट ना करें। जो हमने मार्क लगाया था ना उससे आगे ये प्लीट्स डालने हमने स्टार्ट कर देने हैं इस तरह से। आप अपने अकॉर्डिंग प्लीट्स डाल सकते हो कैसे, मैंने बिल्कुल वो जो थ्रेड खींच के हम प्लीट्स डालते हैं ना उस तरह से बना रही हूँ यहाँ पे। ये देखिए ऐसे पफ आ जाएगा। स्लीव्स राउंड है 5 इंचेस और मार्जिन रख लेंगे यहाँ पे 1.5 इंचेस। और फ्रंट की जो है शेप दे दी थोड़ी सी, बिल्कुल मामूली सी शेप दी है मैंने। अब ये बॉर्डर मैंने इसके साथ अटैच कर लिया, इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे भी सिलाई लगा दूंगी। यहाँ पे मैं कलियाँ जोड़ रही हूँ, तो 2 कलियाँ लेके एक बराबर मतलब करके ना कमर की तरफ से जोड़ना हम स्टार्ट करेंगे, नीचे की तरफ सिलाई लगाते जाएंगे और लास्ट में जहाँ तक कटिंग है उससे थोड़ा सा आगे तक हमने सिलाई को लेके जाना है। ये देखिए यहाँ पे कटिंग खत्म हो गई है, अब इससे थोड़ा आगे जाके मैंने सिलाई को खत्म किया। बस सभी के लिए मैंने ऐसे ही जोड़ ली हैं, एक बैक में पार्ट आ जाएगा एक फ्रंट में आ जाएगा, तो इन लाइनिंग को भी मैंने स्टिच कर लिया है। 2 कलियाँ बैक में 2 फ्रंट में आ गई। ये देखिए ये मैंने कलियाँ भी जोड़ ली हैं सारी। कमर की तरफ से अब हमने इन कलीज वाले पार्ट को और अपने लाइनिंग वाले पार्ट को जोड़ना है। बैक नेक कट करने के लिए इस तरह से बैक को फोल्ड किया और ये जो कपड़ा है ना ये भी मैंने फोल्ड करके रखा है। बस इस तरह से हम रेबदार जो है पट्टी की कटिंग कर लेंगे। ये अपर पार्ट का फ्रंट वाला पार्ट है, तो यहाँ पे जो जॉइंट लगाना था ना वो मैंने लगा लिया यहाँ पे। अब हमने ये देखिए क्या करना है, इसको ऐसे करके सेंटर से फोल्ड करना है जहाँ पे हमने कट लगाया हुआ है ना ऑलरेडी, यहाँ से मतलब ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है।
सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा दिए। अब इसको हमने राइट साइड को इस तरह से टर्न कर लेना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा नेक रेडी हो गया। दूसरे पीस को भी मैं इसी तरह से स्टिच कर लूँगी। अभी ये देखिए ऐसे हम फोल्ड करेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छे से कॉलर बन जाएगा। अंदर की तरफ ये फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पे फोल्ड लगा के मैं सिलाई लगा लूँगी। बैक वाला पार्ट मैंने नीचे रखा है, उसकी राइट साइड ऊपर की तरफ को रखी है। उसके ऊपर रखे हमने ये फ्रंट वाले पार्ट्स इस तरह से, इनको हमने एक बराबर रखना है फ्रंट और बैक वाले को। तो ये अपने आप ही ना दोनों पीसेस ओवरलैप हो जाएंगे। बस मैंने इसको इस तरह से पिन अप कर लिया। राइट साइड से आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ऐसे करके ना ऐसे आ जाएंगे ये, और ये जो कॉलर है ना इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये हमारे कॉलर्स बन जाएंगे। बस यहाँ पे हमने सिलाई लगा लेनी है नीचे की तरफ। ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब शोल्डर से इन दोनों पीसेस को हमने अटैच करना है। तो ये देखिए ये जो स्ट्रिप मैंने बैक वाले पीस में अटैच की थी ना, उसको ऐसे हम फ्रंट वाले पीस के ऊपर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। जब हम इसको अंदर की तरफ को फोल्ड करेंगे ना तो ये सिलाई जो है अंदर कवर हो जाएगी बहुत अच्छे से। ये देखिए ये ऐसे करके ना इसको हमने इस तरह से स्टिच करना है। इस तरह से सिलाई लगा के ना फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। शोल्डर्स के पास जो थ्रेड वगैरह निकलते हैं ना, वो कपड़ा वगैरह निकलता है बाहर की तरफ, वो नहीं निकलेगा। कमर की फिटिंग देने के लिए यहाँ पे मैं प्लीट्स लगा रही हूँ। तो 4 इंच मैंने इस तरफ से मार्क किया और हाफ हाफ इंच दोनों तरफ को मार्क करके इस तरह से हम मिला देंगे इन पॉइंट्स को। ऐसे फोल्ड करके इसको ट्रेस कर लेंगे। 2 प्लीट्स मैंने बैक में और 2 प्लीट्स फ्रंट में लगा ली हैं और इनके ऊपर सिलाई भी लगा दी। योक पार्ट रेडी हो गया है। अब ये जो स्लीव्स हमने रेडी किए हैं ये इसके साथ से स्टिच कर लेंगे इस तरह से। स्लीव्स भी स्टिच हो गई हैं। योक पार्ट हमारा रेडी हो गया पूरी तरह से। ये जो स्ट्रिप है इसमें हैंड स्टिच कर लेंगे या फिर स्टिचिंग कर देंगे। अब ये जो बॉटम पार्ट हमने रेडी किया ना, इसको इसके साथ स्टिच कर लेंगे। एक बैक में एक फ्रंट में जुड़ जाएगा। योक पार्ट का कमर साइड से हाफ किया और ये जो बॉटम वाला पार्ट है ना, इसकी तो स्टिचिंग है तो वो सेंटर उसको मान लेंगे हम। तो इस तरह से इनको सेंटर से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। दोनों पार्ट्स को हम स्टिच कर लेंगे इस तरह से। यहाँ तक हमारा गाउन कंप्लीट हो गया है। अब ये देखिए ये कॉलर उठा के ना यहाँ पे मैंने एक सिलाई लगा दी। बस ऐसे कॉलर उठा के यहाँ पे सिलाई लगा देंगे ताकि ये फिक्स हो जाए। अगर आप नहीं भी सिलाई लगाते ना तो भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अदरवाइज आप हैंड स्टिच भी कर सकते हो, 2-3 टांके लगा के भी यहाँ पे इसको फिक्स कर सकते हो। नीचे की तरफ ये देखिए मैंने बॉर्डर अटैच कर लिया। जो हमने एक तरफ से बॉर्डर कट किया था ना वो मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। तो इससे हमारी लेंथ बढ़ गई है, 3 इंच लेंथ कम हो रही थी। लाइनिंग में मैंने पीको की है और ये देखिए इस तरह से बॉर्डर आ गया है। पूरे गाउन में जो है इंटरलॉक कर दिया है ताकि थ्रेड वगैरह ना निकलें। बैक साइड से इस तरह से हैं। ये देखिए ये प्लीट्स मैंने बैक में भी दे दी हैं। पल्लू के दोनों तरफ में जो बॉर्डर्स थे ना उनको मैंने कट करके यहाँ जॉइंट लगाया और ये बेल्ट बना ली। अंदर की तरफ को फोल्ड लगा के ये मैंने बेल्ट बनाई है। बहुत सारे वीडियोस में मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई है, इसलिए मैंने इसका वीडियो क्लिप नहीं बनाया है। तो अभी मैं आपको ये गाउन पहन के दिखा देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, कमेंट करके बता दीजिए आपको ये आइडिया कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।